नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। आईपीएल के 14वें सीजन में बुधवार को खेले गए 33वें मैच में सनराइजर हैदराबाद को दिल्ली कैपिटल से हार का सामना करना पड़ा है। एचआरएस की सीजन में 8 मैचों में 7वीं हार है। इसके साथ ही हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना अब ना के बराबर बची है। दिल्ली से मिली हार के बाद हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन निराश थे। उन्होंने हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया। एचआरएस के कप्तान ने कहा कि उनकी टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी और 25-30 रन पीछे रह गई। मैच के बाद केन विलियमसन ने कहा कि हमने शुरुआत अच्छी नहीं की, एक अच्छी साझेदारी नहीं की। अंत में कुछ महत्वपूर्ण रन बने लेकिन कम से कम 20-30 रन पीछे रह गए। हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। हमने इससे पहले कई छोटे स्कोर का बचाव किया है लेकिन आज नहीं कर पाए। अभी तक हमारा सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा रहा है। केन विलियमसन ने आगे कहा कि दिल्ली ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और हमें दबाव में रखा। आज का दिन हमारा नहीं था। हमें क्रिकेट पर फोकस करने आगे अच्छा खेलना होगा। मैच की बात करें तो सनराइजर हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद 20 ओवर में 9 विकेट पर केवल 134 रन ही बना सकी। जवाब में दिल्ली कैपिटल ने 8 विकेट और 13 गेंद शेष रहते हुए 139 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। दिल्ली के लिए श्रेयस अय्यर ने शानदार वापसी करते हुए 41 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 47 रन बनाए। वहीं मौजूदा कप्तान पंत ने 21 गेंद में 35 रन की पारी खेली। धवन ने 37 गेंदों में 42 रन बनाए जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। इससे पहले हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पारी की तीसरी गेंद पर ही बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद रिद्धिमान साहा और कप्तान केन विलियमसन ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन साहा 18 रन बनाकर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर कासिगो रवाड़ा का शिकार बन बैठे। इसके बाद विलियमसन ने मनीष पांडे के साथ मिलकर टीम के लिए 31 रनों की साझेदारी की लेकिन 18 रन के निजी स्कोर पर वो अक्षर पटेल की गेंद पर हेड मायर को कैच दे बैठे। हालांकि आखिरी के ओवरों में अब्दुल समद और राशिद खान ने कुछ रन जरूर बनाए। अब्दुल समद ने 28 और राशिद खान ने 22 रन की पारी खेली जिसके दम पर SRS की टीम 134 रन के स्कोर तक पहुंच पाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।